सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई गुड मॉर्निंग सभी को। और भाई अभी मैं नहाया नहीं हूँ, तो अमन भाई स्कूटी सीखने गया हुआ था, तो भाई वो चोट लगवा के आया है। और पीछे कौन आ रहा है भाई? मम्मी। तो भाई अभी चलते हैं। अरे सर, तो प्लीज ये थोड़ा सा स्कूटी दोगे तो पापा। तो फिर मैं थोड़ा स्कूटी दूंगा। मैं तो भाई बुलवा का हूँ, मैं यहाँ ना दोता हूँ क्या भाई? ये देखो भाई, मेरा चोट खा के आया भाई। हाँ कोई नहीं भाई, सीखते हुए चोट जरूरी है, वरना कोई मोटिव ही नहीं रह जाता। तुम्हारा भाई भी बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, कई जगह से चोट लगी हुई है मेरे को भी। बाकी कोई नहीं भाई, मेहनत जारी रखनी चाहिए, वो छोड़नी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलते हैं भाई, अपना करवाते हैं भाई कोश। तो भाई पापा तो घर पे ही धो रहे अपनी स्कूटी, अमन ने आज ये गिरा दी है। बाकी कुछ नुकसान तो नहीं हुआ इसका, ये इधर से थोड़ी सी स्क्रैच वग्रैच लग गई है, बाकी अमन को भी कम ही लगी है भाई। कोई नहीं भाई, करते हैं फिर इसको कंटिन्यू, थोड़ी कम में ही सद गई है, कोई बात नहीं। ये देखो भाई अमन को, कोई नहीं भाई, चोट लग गई तो कोई नहीं, पापा धो लेते हैं। मैं जाता हूँ सर्विस स्टेशन पे, वहाँ जाके धुलवाऊंगा भाई मैं। भाई ये खड़ी अपनी धन्नो सूद व्लॉग्स, भाई बहुत गंदी हो रखी है, ये देखो भाई बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। इसको जाके धुलवाएंगे भाई, साफ कराएंगे। और चल तो चलो भाई, चलते हैं और वहाँ पे जाके कराते इसको साफ। भाई इसकी रनिंग देख लो कितनी आ चुकी है भाई, मेरे साथ बहुत सालों से, ये जितने साल से, कोई मेरे को जानता भी नहीं ना, उतने साल से मेरे साथ है भाई, बहुत साथ दिया इसने मेरा भाई। इसको कभी भी फ्यूचर में बे कहीं नहीं है, हमारे साथ ही रहेगी। बाकी भाई आपको ऐसे ही कंटिन्यू, और भाई कमेंट करके बताना भाई बाइक यार साफ नहीं है, तो भाई कमेंट करके थोड़ा बहुत तो मेरे को मोटिवेट कर दिया करो कि भाई साफ कर लिया कर। चलो कोई नहीं, लेके चलते हैं भाई। तो भाई ये हम पहुंच चुके हैं सर्विस स्टेशन पर, अब इसको धुलवाते हैं भाई, प्रोसेस शुरू कर दिया वैसे भाई ने। आप भाई टाइम लैप्स एंजॉय करो, चलो लो भाई करो एंजॉय। तो भाई ये मैंने स्टिकरिंग करा रखी है, वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखवा रखा फास्ट एज फक, और भाई ये लिमिटेड एडिशन वाला ये इधर करवा रखा है, ये आपको पता ही है भाई, हर व्लॉग में दिखता आपको, ये देखो। और भाई इस तरफ से मैंने आईडी लिखवा रखी है, ये अपना वही सूट व्लॉग्स भाई, ये अपना नंबर है 0239। और भाई इधर से देखो भाई, इधर मैंने करवा रखा है लिफ्ट टू राइट भाई, ये मैंने खुद ही घर पर ही किया था। जब मैंने ये मेरे पास मतलब एक दो साल हो गया था, तो मैंने खुद ही कलाकारी करनी शुरू की थी। टायर मैंने भाई एक बार चेंज करा चुका हूँ मैं। और इधर मैंने ये करवा रखा भाई, डू नॉट प्लेस एनी कंबशन मटेरियल लाइक क्लॉथ पेपर एंड एक्सेट्रा एयर स्कूप, तो भाई इधर से हवा आती है, तो इसलिए मैंने ये एक स्टिकर लगवा रखा है। और भाई ये पीछे से ये पूरा मैंने भाई ये पूरा टायर अगर काट दिया था, और ये लुका रखी है भाई। और मैंने भाई इंडिकेटर भी चेंज करा रखे हैं, ये यामा के ओरिजिनल है भाई, जो R1 में यूज़ होते हैं। R1 भाई जो लोग जिनको पता है भाई उन्हें पता होगा भाई R1 कौन सी भाई का, ये देखो भाई ये प्रॉपर भाई अपने जो R1 में जो आते हैं वही है ये भी। चलो भाई कोई नहीं, इसका हो चुका है पूरा वॉश आउट, तो चलते हैं भाई घर। इसके बाद देखते हैं क्या कुछ घर पे खाते पीते हैं, फिर लक्षित को कॉल करेंगे भाई। स्टार्ट छोड़ रखी है आइडल करके, क्योंकि भाई अभी अभी धोई थी है। एक्स्ट्रा केयर के लिए भाई मैं हर वॉश के बाद ये चेन लूप करता हूँ, जो कि भाई कैस्ट्रोल का है। अभी इसको चेन लूप करते हैं, और करते हैं भाई इसको चेन लूप, और हम उनको पकड़ाता हूँ भाई मैं कैमरा, आप देख लो भाई कैसे क्या करना होता है। बाकी मेरे पास साइड इसमें भाई डबल स्टैंड नहीं आता, तो मेरे को कुछ जुगाड़ करने पड़ेंगे, तो लो भाई देख लो।
भाई चैन लूप हो चुका है कंप्लीट, और ये मैंने थोड़ी देर आइडल छोड़ दिया ताकि ये पूरे में फैल जाए भाई, पूरा का पूरा ये फिर घूम जाएगा। तो इसके बाद ऐसे ही भाई, ये देखो भाई पूरी गिल्ली हो रखी है चैन, दिख रही होगी आपको कैमरे में, ये देखो भाई ये मैंने पूरे में लगा दी है। बाकी भाई आप भाई केयर करोगे, आप इसकी केयर करोगे तो भाई ये भी आपकी केयर करेगी, बाकी बहुत संभालता हूँ भाई मैं इसको। बाकी भाई ये देखो भाई बिना इसके आपको कैसी लगती है ये बताओ। बाकी आते यहाँ कर आते आते टायर गंदा हो गया, ये मैंने खुद ही काट के भाई इसमें सारी फिक्सिंग की थी। चलो कोई नहीं भाई, करते हैं ऐसे कंटिन्यू और इसके बाद आगे लेते हैं भाई मोज। ये कैस्ट्रोल जिंदाबाद। तो भाई मैं एक चीज़ भूल गया था, अमन के लिए दवाई लेके आनी है, तो भाई वो दवाई लेके आता हूँ। और बाकी भाई बहुत शोर हो रखा है, तो ओ भाई तो आपने भी यूज़ की होगी वो, शायद लाल दवाई बोलते हैं, घर वालों ने ही बोला, मैंने भी बहुत यूज़ की है भाई, मैं भी बहुत गिरा पड़ा हूँ भाई। बाकी भाई मैंने कभी ना, मतलब यार जो बाइक का एक अंदर से वो होता है ना कि भाई सुपर बाइक देखते ही भाई हाँ भाई ये तो कुछ चीज़ है भाई, ये कुछ चीज़ है भाई, इतना ना मैं लड़कियों को वो नहीं करता जितना भाई बाइक्स को करता हूँ। क्योंकि भाई बाइक्स है ना, एक है ना सोल होती है ना भाई, जो अंदर भाई आत्मा होती है उसको ना शांति सी फील कराती है, जैसे आप उसको राइड करते हो अंदर से एक ऐसा फील आता है भाई, बस यार क्या ही मिल गया। चलो कोई नहीं भाई हम सीधा। तो भाई ये ले लिए और इसका नाम है मेरब्रोमिन। और इसके बाद भाई चलते हैं घर और मिलते हैं सीधा घर। चलो भाई। तो भाई मैं भी पहुंच चुका हूं घर, और भाई मेरी आदत देख लो, मैं नहा लो लेता हूं और थोड़ी सी क्लीनिंग की जरूरत है, और अमन को दे दिया मैंने। तो भाई क्या हो गया था बता दे भाई हिस्ट्री। अरे कुछ ना हो गया, आगे तो एक बालक आ गया, एक साइड में तो साइकिल वाला आ गया, फिर तो हाथ पैर फूल गए तेरे हैं, हाथ पैर के फूल गए, फिर उन्हें बचाने के चक्कर में पड़ी। चलो कोई नहीं भाई, किसी को बचाने के चक्कर में भाई ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और भाई ये भाई अपनी दवाई लगा रहा है, चलो छेद कर ले भाई। तो भाई मैं इसको छेद करके दे देता हूँ। और ये तो भाई मैंने भी खून कर दिया भाई, बिल्कुल खून जैसा रंग होता है इसका। ये देखो मैंने इसको छेद करके दे दिया है, तो ये लगा देता है दवाई। इसके बाद भाई खाते पीते अपन साथ बैठ के। चलो भाई। ओ सो भाई आपको भाई एक गाना सुन रहा था भाई, बहुत तगड़ा हिट कर रहा है वो। तो भाई सॉन्ग ये है वो पास्ट लाइव्स, इसमें भाई एक लाइन है कि जब आप सपने से उठते हो तो आपकी सारी रियलिटी आपके सामने होती है। तो मतलब इसमें एक वर्ड ऐसा भी यूज़ किया गया है कि मैं स्लीप कर रहा हूँ और मैं ड्रीम नहीं कर रहा हूँ। तो भाई इस गाने को सुनना आप, मतलब यार एक है ना अंदर से एक, मतलब कहते हैं ना कि मतलब एक अजीब सी फील सी आती है इस गाने को सुन के भाई, बहुत सुनता हूँ भाई मैं ये गाना। आई एम स्लीपिंग आई एम नॉट ड्रीमिंग, भाई क्या गाना भाई। और भाई आप रात को मत सुनना भाई ये गाना, अगर रात को सुन लिया ना भाई आपने तो बस पूछो मत, एक अंदर से भाई पास्ट वाली जो फीलिंग्स आती है ना भाई वो आने लग जाती है भाई। और भाई जैसे कि आप मेरे को तो देख ही रहे हो भाई ये गाना सुन के भाई। बाकी बात ऐसी है, मैं आपको बता रहा था कि भाई अभी हमने टी शर्ट ऑर्डर की थी ना भाई ऑफ साइज, ऑफ शोल्डर। ओ हाँ भाई, तो अमन तो उसको ऑफ शोल्डर बोलता है, मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है यार, क्योंकि यार ऑफ शोल्डर है ना लड़कियां पहनती है, तो इसलिए मैं ना इनको ओवर साइज ही बोलता हूँ भाई। डाउन शोल्डर बोल लो यार, ऑफ शोल्डर ना यार थोड़ा अजीब सा वर्ड लगता है, तो मैं इसको या तो ओवर साइज टी शर्ट बोलता हूँ या फिर डाउन शोल्डर। चलो कोई नहीं भाई, कुरियर वाले का भी कॉल आया था तो वो आ रहा है। कितनी टी शर्ट थी भाई? तो भाई 6 टी शर्ट थी भाई, उनकी ओपनिंग करेंगे क्या भाई हम दोनों साथ में, और पहन के देखेंगे भाई। बाकी ये वाली पहन रखी है मैंने तो आज, ये तो आपने कहीं में देखी होगी, बिल्लियाँ घुसती रहती है इधर, वो मत सोचो। तो कोई नहीं भाई, अभी पापा कह रहे थे कि भाई शादी में भी जाना अमन चलेगा क्या, चलो कोई नहीं देखते हैं भाई। और आता है कुरियर वाला और मिलता हूँ ऐसे ही। और भाई थोड़ा गाना सुन रहा हूँ यार, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, और मैं इतना बता रहा हूँ भाई थोड़ा बुरा सा भी लग रहा है मेरे को यार, एक ना मेरे को चीज़ सता रही है यार अंदर से। बाकी चलो कोई नहीं भाई, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे उससे उसके बारे में भी। चलो मिलते हैं आपको, अभी कुरियर वाला आ जाता है तो मिलते हैं भाई। भाई भूख लग रही थी, मम्मी पापा तो जा चुके हैं भाई शादी में, मैं तो भाई ये लेके आया हूँ अपने लिए, तो इसको खाते हैं फिर
अभी इसको बनाएंगे भी भाई। हाँ भाई लक्की क्या करना है फिर? हाँ भाई चलो ट्राई करते हैं मैगी। तो भाई बनाते हैं इसको तो और ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे भाई। लाइट जला दे फिर चल काट के पीटते हैं सब्जी वगैरह। टेलीकाउंट है भाई? हाँ टेलीकाउंट है भाई। भाई पूरी मेहनत चल रही है भाई। देखते हो कैसी बनेगी। कोई नहीं ट्राई करते। थोड़ा सा तेल भाई। तुम्हारे भाई ने मेहनत सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है और वो बॉईल हो रही है, मतलब अभी मैंने उसके ऊपर प्लेट ढक दी है तो वो बनके तैयार हो जाती है। फिर आपको दिखाते हैं पूरा एक प्रॉपर क्या सीन रहेगा भाई। बॉयज जब किचन में होते हैं पता नहीं क्या कलाकारी कर देते हैं। चलो कोई नहीं, कलाकारी जैसी भी हो आपको दिखाएंगे हम। और मैं भी अभी थोड़ा सा भूख लग रही है यार, कुछ रखा होगा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा गुस्सा था। अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर अभी इस वीडियो में बताया था कि भाई दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब सा है, तो भाई लेट मी डू द कमेंट सेक्शन, उसमें तहलका मचाओ भाई क्या है क्या हो सकता है भाई। चलो कोई नहीं भाई, अभी मिलते हैं आपको खाने का। भाई कुरियर भी आ चुका है जो आपको शुरू में वीडियो में बताया था। तो अमन ने अपने लिए टी शर्ट वगैरह मंगाई थी तो अभी इससे ले लेते हैं भाई। क्यों तो भाई लेके। सो गाइस इट्स रेडी एंड वी विल टेस्ट इट एंड टेल यू हाउज इट। ओके टाटा। तो भाई ये आ गया है कुरियर, बाकी आज तीन ही कुरियर आए हैं तो इनको ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग दिखाते हैं आपको। चलो भाई गली में तो शोर हो रखा और खाना बनाते बनाते पसीने आ गए आज, पता लगा भाई मम्मी कैसे खाना बनाती है। क्यों भाई लक्की? चलो भाई चलते हैं ऊपर और करते हैं इसकी ओपनिंग। और मैगी भी तैयार हो चुकी है जैसे कि लक्की ने बता दिया होगा, बता दिया ना? तो चलते हैं भाई ऊपर और करते हैं मैगी इंजॉय और कुरियर भी खोलेंगे। ये आ चुकी है अपनी मैगी भी और मैगी को करेंगे ट्राई। क्या क्या सीन भाई, क्या लगता है भाई? तो करो भाई टेस्ट ही करो। लो बढ़िया आ रही है, टेस्ट करो भाई। तेरी चोट बड़ी गंभीर है, करो भाई टेस्ट करो। बताओ भाई नंबर कैसी बनी है भाई? नंबर ना, ट्रू ट्रू बताओ यार, हम बॉयज है हमारी कुछ ही नहीं है। सही बन रही है पर थोड़ा नमक कम रह गया। नमक अब इसमें नमक कौन डालता है? क्यों नहीं डालता? नमक डलता है मैगी में? तो भाई कमेंट करके बताओ मैगी में नमक डलता है कि नहीं। अगर डलता है तो भाई बताना मेरे को क्यों भाई, और बताना भाई मैगी में डलता है कि नहीं नमक। और फिर इसके बाद आपको ओपनिंग दिखाएंगे क्या कुछ आया भाई फ्लिपकार्ट से, अगर बेकार निकली तो भाई रिप्लेस भी करानी पड़ेगी। चलो कोई नहीं मैगी इंजॉय करते हैं भाई। अमन ने कर दिया ओपनिंग भाई कि कैसा कलर है। क्या दो मंगाई थी क्या तूने? दिखाइए एक बार स्टफ कैसा है इसका। ठीक है यार पहनने लायक है, ठीक है। वो भी खोल भाई लक्की, तू भी खोल दे, ये दिक्कत हो रही है। गर्मी के हिसाब से ठीक है। तो भाई ये फील आ रही है, ये वाली मेरी है भाई, भाई। स्माइल पांडा पीछे दिखाइयो।
पीछे है भाई दिखा दे। गुड थिंग्स कम टू थोज हु स्माइल हैव यू स्माइल्ड कीप टुडे कीप स्माइलिंग है। चलो कोई नहीं भाई मैं करता हूँ इसको ट्राई। ये भी निकालना तू फिर करते हैं ट्राई भाई। ये भी निकाल बाकी और भी टी शर्टें आनी है भाई। अमन हो रहा है भाई कपड़े उतार रहे तो फाड़ दे। कभी कुछ खोला नहीं क्या तुमने कोड वर्ड्स ब्रो। और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये तुम नहीं जानते। ये देख लो भाई। अरे ओ भाई ये क्या कर रहा है तू। लोग भी इससे बनवा लिए और बर्तन भी इससे धुलवा लिए। अरे यार क्या कर रहा है यार। फिर कोई नहीं यार अच्छा काम है। विद्यार्थी मेरे सोचेंगे ये क्या हो रहा है। कोई ना भाई बर्तन मांज लेते यार मन साफ होना चाहिए। कैमरा में दिखाई पूरा लिखा हो गए। ठीक है भाई करके काम आ जाइए तेरे को दिहाड़ी मिल जाएगी। भाई अभी हम जा रहे हैं केक लेने। भाई भाई काफी भीड़ हो रखी थी सारी तरफ। तो भाई GoPro सेट करने के बाद चल रही है भाई अपनी बाइक आराम से भाई गियर चेंज करते हुए। भाई मैं जा रहा हूँ एक बार बाजार की तरफ ही जा रहा था। तो भाई वहाँ से केक वेक लेते हैं मम्मी पापा के लिए केक ले लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं भाई सेलिब्रेशन। मम्मी पापा के लिए सरप्राइज प्लान किया था। चलो कोई नहीं भाई चलते हैं भाई। चलो भाई सो भाई अभी आया हूँ मैं मार्केट और जिम से डायरेक्ट आया था और जिम करके भाई अमन का कॉल आ गया था कि भाई जाके केक वेक ले आइयो। तो मैं केक लेने आया हूँ भाई सीधा डायरेक्ट। तो भाई अभी देख लेते हैं केक। मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है जैसा कि आपको पता है भाई। मैंने बोला था कि भाई आप एंड में एक सरप्राइज़ आपके लिए। तो भाई केक लेने आया भाई के पास और आपको शॉप भी बता दूंगा कौन सी है। तो ये देखो भाई केक। भी मेरे साथ है भाई उर्फ डैनी। तो भाई ये भाई के पास लेके आया था कि भाई वहाँ चलते हैं वहाँ से लेके आएंगे। तो भाई हाँ क्या नाम है भाई शॉप का भाई। तो भाई काकू जूस नाम से है भाई। ये अपना जो जो कौन सी मार्केट है भाई जो मुरथल अड्डे वाली जो कन्याकुमारी जो स्कूल है ना उसकी जो डायरेक्ट जो रेलवे स्टेशन की तरफ भी जाती है उस तरफ की है भाई। तो भाई ये केक लिया भाई इसको करते हैं फाइनल और घर पहुँचते करते हैं सेलिब्रेट भाई एनिवर्सरी वाला है मतलब लगा दो भैया। तो भाई ये लग चुका है भाई ये शोभा रखी है बहुत सही लग रहा है भाई। और चलते हैं भाई घर पे। थैंक यू सो मच भाई। तो भाई चलते हैं घर। सो भाई अभी पहुंच चुका हूँ घर और भाई पसीने आ रखे हैं क्योंकि भाई वर्कआउट किया था बहुत इंटेंस वर्कआउट किया था। जो मेरे साथ है इंस्टाग्राम पे है उन्हें तो पता है भाई कैसा वर्कआउट था। तो भाई अभी थोड़ा फ्रेशन अप हो लेता हूँ तो इसके बाद देखते हैं भाई। मम्मी भाई स्पेशल थोड़ा सा खाना बना रही है पूरी वगैरह बन रही है और छोले बन रहे हैं वाइट वाले है ना अमन तो चावल भी बन रहे हैं राइस भी। और अमन भाई थोड़ा रिकवर हो चुका है डेली जाता है स्कूटी सीखने। एक दिन आपको इसको भी दिखाऊंगा भाई बंदा भाई मैं मेहनत बहुत कैडी कर रहा है चाहे चोट लग गई हो बंदे को पर फिर भी जाता है मेरा भाई। अप्रिशिएट करेंगे भाई को। कोई नहीं भाई अभी थोड़े दिनों में राइडर होने वाला हमारी तरह। मेरे को कहता था क्या होता है भाई कोई नहीं अब कैसा लग रहा है थोड़ा तेज बता दो भाई। अरे मजा आवे मजा आ जाए। चलो कोई नहीं भाई भाई को मजा आता है। चलो ये भी मेरी श्रेणी में आने वाला है। बाकी भाई जो बंदे फोर व्हीलर चलाते हैं वो तो बस एक तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। जो बंदा टू व्हीलर चलाता है ना भाई वो एक तरीके से अपनी सोल मूव करता है एक अलग मतलब यार बंदा जुड़ जाता है। टू व्हीलर तो ऐसी चीज़ होती है। तो चलो भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं नहा लो लेता हूँ और इसके बाद मिलते हैं भाई आपको डायरेक्ट। पीस आउट भाइयो। ये बात चलो भाई केक कटिंग कराओ कटो बैठ जा तू भी बैठ जा साइड में। हैप्पी बर्थडे थोड़ा आपा आज तो एनिवर्सरी है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी आपा जी हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी जी। ये ताली बजा दे भाई।
भाई मैंने टेस्ट कर लिया है। भाई अमन तो बॉडी दिखा रहा अपनी। थैंक यू। एक बार तेज बोलो आपा थैंक यू। थैंक यू। तो भाई ये फैमिली भाई थैंक यू सो मच। तो भाई आज का यही था। तो भाई हम खाते हैं खाना वाना और यही तक था भाई अपना व्लॉग। और जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी भाई वो आपके साथ में आएगी। तो इसमें भाई हमने साथ में बहुत इंजॉय किया। हाँ फोटो खींच रहा हूँ। चलो भाई मैं फोटो शूट कर देता हूँ और मिलते हैं आपको।